In this video, I am going to share with you all the box office collection of Bollywood film Jurmana. लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग मिथुन दा के फैन हैं और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते मैं मेरे चैनल पे मिथुन दा की बहुत सारी फिल्मों के कलेक्शन के अपडेट्स अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं फिल्म जुर्माना की। जुर्माना जो रिलीज हुई थी 6 जनवरी 1996 को और ये एक बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जिसको 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था और फिल्म के जो राइटर हैं उनका नाम है TLV प्रसाद। फिल्म को प्रोड्यूस किया था मान सिंह दीप ने और कल्याण दीप ने। अब करते हैं कास्ट की बात। इसमें मिथुन दा यानी मिथुन चक्रवर्ती, रोनित रॉय, रंभा, रजा मुराद, अश्विनी भवे, किरण कुमार और शक्ति कपूर लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। रही बात कलेक्शंस की, तो सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शंस की। तो फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 2,33,00,000 रुपीज का। 2,33,00,000 का फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 3,93,00,000 रुपीज का। इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट 4,00,000 रुपए की कलेक्शन की थी। और फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन था वो था 3,97,00,000 रुपीस का। रही बात बजट, तो फिल्म का बजट था 2,25,00,000 का। अब 2,25,00,000 के बजट में जो फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 2,33,00,000 रुपीस का, उस हिसाब से अगर फिल्म की ऑफिशियल वर्डिक्ट की बात करें यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि जुर्माना बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। यानी फिल्म को जो ऑफिशियल वर्डिक्ट दी गई थी वो थी एवरेज की। फिल्म के अंदर टोटल 6 गाने थे। सभी गानों को कंपोज किया था दिलीप सेन और समीर सेन की जोड़ी ने। अब करते हैं फिल्म की बेसिक स्टोरी, यानी जो मिथुन दा का रोल है फिल्म के अंदर, उस रोल की बात करते हैं। तो मिथुन दा का जो फिल्म के अंदर रोल है वो फिर से उन्होंने एक रोल निभाया इंस्पेक्टर का, पुलिस इंस्पेक्टर का, जो बहुत ही ईमानदार इंस्पेक्टर होते हैं। और जो रंभा है, रंभा का नाम होता है प्रिया तिवारी। और जो फिल्म के अंदर रजा मुराद होते हैं वो एक चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो बेसिकली जो स्टोरी है वो इन तीनों के बीच ही होती है, मतलब जो लव स्टोरी दिखाई जाती है, लव स्टोरी वो दिखाई जाती है मिथुन दा और रंभा के बीच की। तो क्या होता है, मिथुन दा यानी जो विजय सक्सेना है इंस्पेक्टर, मिथुन दा और रंभा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो रंभा के फादर होते हैं, क्या होता है, मिथुन दा एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और रंभा एक बहुत ही अमीर परिवार से होती है। रंभा के पिता जो रजा मुराद होते हैं वो एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन रजा मुराद को मिथुन दा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से मिथुन दा और रंभा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है कहानी में, मिथुन दा की शादी कई और हो जाती है, रंभा की शादी कई और हो जाती है। तो बेसिकली यही सब फिल्म में दिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।